आप देख रहे हो आपका YouTube चैनल पहल न्यूट्रिशन में आपका भाई मोहन पहल। आज आपके लिए मैं बताऊंगा बाइसेप की चार वर्कआउट जो आप लगातार करोगे तो जिससे आपका साइज बहुत अच्छा गेन हो जाएगा। जिसमें हमारे चार वर्कआउट रहेंगे, सेट टू सेट बताएंगे कि आपको पहले जो सेट है उसमें क्या रेपिटेशन लगानी है और उसके क्या सेट लगानी है। जो पहला सेट होगा तो हमारा पहला सेट होगा स्ट्रेंथ बाइसेप्स कर्ल, जो कि हमें पहले जो हमारा स्ट्रेंथ के अनुसार उठाना है वेट। अगर आप 10 केजी का उठा सकते हो तो मतलब आप 12 केजी का उठा सकते हो तो उठाओ। उसके बाद ऐसे पैर रखने हैं और बिल्कुल कमर बेंच को स्ट्रेट और ऐसे और ये ऐसे होल्ड करना है। ये आपको लगाने 12 है। उसके बाद आपने जैसे आपका सारे 12 का टंबल है या 10 का टंबल है तो आपने थोड़ा देना है। उसके बाद आपके 10 रेपिटेशन निकालने हैं और उसके बाद आपने थोड़ा और वेट बता देना है जिसके आपने 8 निकाले हैं और उसके बाद बिल्कुल होगा आपका जिसके आपने निकालने हैं। तो ये आपका पहला सेट हो जाएगा। उसके बाद हमारा दूसरा सेट स्टार्ट होगा। दूसरा सेट रहेगा ये है रोड बाइसेप्स कर्ल, जिसमें हम अपने पार्टनर के हाथ ले सकते हैं। तो हमने पहले तो अपना पकड़ लेना सही तरीका होना चाहिए। ये जैसे ये करो और ऐसे पकड़ो, ग्रिप अपने हिसाब से सही लेनी थोड़ी बार। और ये जो ग्रिप है बिल्कुल टाइट होनी चाहिए, ये नहीं और ये थोड़ा ऐसे और ऐसे करके ये होल्ड। इसमें माइंड और मसल का बिल्कुल कनेक्शन होना चाहिए। ऊपर जाके स्क्वीज करूंगा, ये स्क्वीज, ये ऐसे बिल्कुल पेज, ये बिल्कुल पेन, जितना पेन स्टार्ट होगा उतना आपका बाइसेप्स का साइज ग्रो होगा। तो ये आपने लगाने 12 रेप दोस्तों। इसके बाद आपने थोड़ा एलिगेट कर लेना, उसके आपने 10 रेपिटेशन निकालने हैं। पार्टनर के आप हेल्प ले सकते हो। उसके बाद जो थर्ड रहेगा उसमें आप थोड़ा और वेट डालो, उसके बाद 8 रेपिटेशन निकालो और बिल्कुल जो लास्ट वाला सेट होगा उसमें हैवी डालो वेट, जिसके आपने 6 रेपिटेशन निकालने हैं। ये किया बिल्कुल होल्ड और ऐसे ये निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे आप थर्ड वर्कआउट। हमारा थर्ड सेट है जो डंबल बाइसेप्स कर्ल, जिसमें हमने पहली चीज है जो हमारे पकड़ने का तरीका सही होना चाहिए। ये बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं तब इसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्यों अपनी देह इंजरी खराब करना आ रहे हो, जिसका आपके कहीं भी इंजरी हो सकती है। तो पहले हमने पकड़ने का तरीका होना चाहिए ये जो है ना हमारा। और कुछ लोग ऐसे मारते हैं वो अलग हो जाते हैं, हैमर कट अलग होते हैं, ये सीधे बाइसेप्स कर्ल। तो हमने क्या करना है, पहले जो हमारी ग्रिप है ये एज ए टाइट और आप पार्टनर के हेल्प ले सकते हो। ये किया और इसको थोड़ा हल्के से ये निकाला, ये ऊपर चलते हैं ना ऐसे और बिल्कुल जैसे ऐसे ऐसे बिल्कुल पेन होना चाहिए। पहले अपने आप निकालो 4 से 5 रैप, अगर आपको नहीं निकलते तो पार्टनर का हेल्प लो। और हार्ड करना है तो आप ये लो, ये यहाँ रोक लो, अब इससे मारो आप ये भी यही रोक रहा, ये भी रोक दिया। अब एक ये निकाला इसको, ये ऊपर जाते टाइम पूरा स्क्वीज करना है। तो ये आपने 12 रेपिटेशन निकालने हैं, उसके बाद थोड़ा हैवी डंबल लो 10 रेपिटेशन, उसके बाद अगर आप हैवी नहीं लिया जाता तो वही निकालो उसके भी 10 और उसके बाद भी फिर 10। ये 4 सेट निकालने हैं, इसके आपके डंबल बाइसेप्स कर्ल हो जाएगा पूरा। जो हमारा फोर्थ सेट रहेगा वो इस प्रकार रहेगा दोस्तों। हमारा जो फोर्थ सेट रहेगा वो रहेगा हैमर कर्ल, जो हमें इस प्रकार लगाना है। इसमें मैं बोल दिखाऊंगा तो मेरी हेल्प अभिषेक करेगा और आपको बताएगा कैसे क्या करना है। बताओ अभिषेक, इसमें ऊपर लेके जाना है
तो ब्रीद इन करना है और जब नीचे ले जाएंगे तो पूरी ब्रीद आउट करना है और पूरा स्क्वीज करना है, होल्ड कर सकते हैं आप 2-3 सेकेंड। चलो चल पूरा ब्रीद करना है अच्छे से और पूरी सांस रोकनी नहीं है आपको, कभी भी वेट मारते टाइम कभी रोकनी नहीं चाहिए सांस। बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं देना आपको, बिल्कुल हल्का सा देना है। ये आप मैंने फिर 12 रेपिटेशन लगाने, उसके बाद थोड़ा हैवी वेट करो और उसके 10 रेपिटेशन, उसके बाद आपने थोड़ा और हैवी डंबल उठाना है उसके 8 रेपिटेशन और उसके बाद आपने लगाना है, बाद आपने ड्रॉप सेट लगाना है जिसमें आपने पहले हैवी लेना है उसके 4 रेपिटेशन, फिर उसके बाद साथ ही साथ और थोड़ा लाइट वेट लेना है उसके फिर 4 सेट, उससे फिर लाइट है और ये आपने ड्रॉप सेट लगाना है। इसमें आपने बिल्कुल बॉडी बिल्कुल ख़त्म कर दो, कभी पूरा बॉडी का हल्का लग जाना चाहिए। तो दोस्तों आपको हमारी यूट्यूब चैनल कैसी लगी वीडियो, और अगर कोई गलती करी हो तो कॉमेंट में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करना। थैंक यू, राम राम जी।